प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जैसा कि थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि आरपीएससी खुद की बहुत ज़्यादा मनमानी कर रही है। फिलहाल देखी जाए तो राजस्थान गवर्नमेंट में हर एक पेपर आउट हो रहा है, हर एक पेपर लीक हो रहा है। और यहाँ पर मैं आज आपको जो न्यूज बताने वाला हूँ ना, इसमें एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। और वो खबर ये है कि आरपीएससी कोर्ट की बात भी नहीं मान रही है। हम क्या करते हैं, न्याय के लिए हम कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन आरपीएससी कोर्ट की बात को भी नहीं मान रहा, फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो मामला निकल कर आया है वो है स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के राजनीति विज्ञान, हिंदी, इतिहास तथा चित्रकला विषय में प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने विवादित प्रश्न उत्तर के मामले में राज्य सरकार व आरपीएससी को अदालत में आरपीएससी को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 18 मार्च को अदालत में पेश करने को कहा। हेमराज रोदिया व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि एक्सपर्ट कमेटी से विवादित प्रश्न उत्तर की जांच करवानी थी, लेकिन आरपीएससी ने कोर्ट आदेश के बाद भी कोई बदलाव नहीं किया, जबकि उन्हें एक्सपर्ट कमेटी की जाँच रिपोर्ट पेश करनी थी और इसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाना था। आरपीएससी ने आपत्तियों का निपटारा नहीं किया, अंतिम कटऑफ और संशोधित अंतिम परिणाम जारी किए बिना ही प्रतीक्षा सूची में अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है। ये सामने आया आरपीएससी के मनमानी का। और साथ में प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको, राजस्थान में फिर से आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। यदि आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन वैकेंसियों के संबंध में यदि कोई भी खबर निकल कर आती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय। हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोले।